नमस्कार, मैं डॉक्टर गितेंद्र गाबा, एमएस ऑब्स एंड गायनी, गाबा हॉस्पिटल यमुनानगर से। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जो कि कॉमनली लोग पीसीओडी, पीसीओएस के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जिसको सुन के सब फीमेल्स डर जाती हैं। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी लिखा गया तो एक कंसर्न का विषय हो जाता है और फीमेल्स डर के मारे हॉस्पिटल भागती हैं। आज मैं आपको शुरू से बताऊंगी ये पीसीओएस होता क्या है, आपकी नॉर्मल ओवरीज क्या होती हैं और इससे आपको कब कंसर्न होना चाहिए, कब आपको इसके लिए चेकअप करवाने की ज़रूरत है। नॉर्मली हमारे फीमेल सिस्टम में दो ओवरीज होती हैं, नॉर्मल साइज़ में और अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर के आसपास इनका साइज़ होता है। जब हमारी ओवरीज साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाएं और इनके नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स, जिनको एक आम भाषा में अंडे कहे जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहा जाता है। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो इनका साइज़ बढ़ जाना और फॉलिकल्स 10 या 20 से ज़्यादा हो जाना, इनको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहेंगे। खाली अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज आने का मतलब ये नहीं है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो गया है। इसके साथ अगर आपको कोई लक्षण है तभी हम आपको इस सिंड्रोम या डिजीज़ में डायग्नोस करते हैं। खाली पॉलीसिस्टिक ओवरीज आने का मतलब ये है कि आप इस सिंड्रोम के लिए ससेप्टेबल हैं, मतलब अगर आपने ध्यान नहीं दिया या आपको सिम्टम्स बढ़ते हैं तो आप कभी जाके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में आ सकते हैं। और कौन से सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए? अगर आपको पीरियड्स इरेगुलरिटी हो रही हैं, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं पीरियड्स लेट आना या ना आना, जिनको हम मेडिकल टर्म में ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, यानी कि आपकी साइकिल 1 मंथ के बजाय 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, कईयों की एज लॉन्ग एज 6-8 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आते और कईयों को सिर्फ मेडिसिन लेने पे पीरियड्स आते हैं, ये एक पीसीओएस का सिम्टम हो सकता है। या आपका एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, शरीर पे एबनॉर्मल बाल हो रहे हैं, एबनॉर्मल स्पेस जगहों पे आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, जिसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं। बॉडी पे एक्सेसिव एक्ने होना, ये भी पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सिम्टम्स हैं और साथ में अल्ट्रासाउंड में आपके पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तभी हम आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में डायग्नोस करते हैं। बेसिकली पहले इसको पीसीओडी ही कहा जाता था, पर अब इसको डिजीज़ नहीं बोलते हैं, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण होता है। आजकल इसकी प्रिवेलेंस बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, कम से कम एक्सरसाइजेस हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, बॉडी में हमारे फैमिली में वर्क में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पीसीओएस की प्रिवेलेंस बढ़ती जा रही है। हर आजकल इतना है कि हम 10 से 20 फीमेल में से किसी एक को पीसीओएस निकल जाता है और एज यंग एज 11 ईयर्स, 12 ईयर्स में भी पीसीओएस डायग्नोस हो रहा है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोस होने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको किस लेवल तक सिम्टम्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स पीसीओएस के कारण हो सकती हैं? यंग एज ग्रुप में जैसे बताया, पीरियड्स ना आना, एक्सेसिव वेट गेन, हेयर ग्रोथ, एबनॉर्मल डार्कनिंग, मतलब आपकी स्किन के कलर कहीं कहीं जगह पे डार्क होना शुरू हो जाता है, ये सब पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यंग गर्ल्स में हैवी ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग भी कर सकता है। हमने पहले इरेगुलर ब्लीडिंग के बारे में बात भी करी थी, उसका एक कॉज ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। यंग गर्ल में इसको ट्रीट करना बहुत ईजी है, अगर उनका वेट ज़्यादा हो रहा है तो हम वेट लॉस कराएंगे, एक्सरसाइजेस कराएंगे, उनकी डाइट कंट्रोल रखना है, स्ट्रेस लेवल डाउन करना है। हार्मोन्स हम यंग गर्ल्स में अवॉइड करते हैं, आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं जिनसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में पीसीओएस से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी ना होना, या जब हमारी शादी के बाद प्रेगनेंसी के लिए वुमेन ट्राई करते हैं, कंसीव नहीं हो रहा, तो फर्स्ट सबसे पहले लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें अगर पीसीओडी आ जाए तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द पेशेंट। बट खाली पीसीओडी देखकर डरे ना, ये ट्रीटेबल है। जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी हद तक ये ट्रीट किया जा सकता है। पीसीओएस प्रेगनेंसी क्यों नहीं होने देता? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया,
पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हमारी ओवरीज नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी हैं, फॉलिकल्स इसमें हैं, एग इसमें हैं, पर वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह जब एक एग मैच्योर होता है, रप्चर होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, वो सिस्टम इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ख़राब हो जाता है। तो हमारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं बट वो फर्दर एक मैच्योर एग नहीं बन पाता है, जिससे कंसीविंग होने में, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो PCOS अगर यंग इस एज ग्रुप में आ रहा है तो इट कैन बी ट्रीटेड। अब आगे जाकर विद इंक्रीजिंग एज ग्रुप PCOD वाले पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के डिजीज़ का खतरा भी रहता है। मैक्सिमम PCOD वाले लोग हैवी वेट के होते हैं तो ये डिजीज़ उनको साथ में हो सकती हैं। PCOS बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक थिन PCOS यानी कि जिनका वेट गेन नहीं होता, बस पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, और हैवी वाला, हाई वेट वाला, जिनके वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोनों ही केसेस में इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर सिम्टम्स आते हैं तो। अब प्रेगनेंसी की हमने ट्रीटमेंट के द्वारा, कई बार बिना ट्रीटमेंट के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के डायग्नोसिस के साथ आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो देर आर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस, कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क हैं जो पॉलीसिस्टिक वालों के साथ ज़्यादा होते हैं, जिसमें हैं हाई ब्लड प्रेशर होना, शुगर की बीमारी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स बढ़ना, ये इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ हद तक अबॉर्शन का रिस्क भी PCOS में पड़ सकता है, बट ये सब चीज़ें मैनेजेबल हैं अगर आप ध्यान रखते हैं, ट्रीटेबल होती है। अब PCOD की एग्जैक्टली हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है। जब कोई भी पेशेंट हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ है, अगर आपको लग रहा है, आपको ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको लगता है आपको PCOS हो सकता है, तो आपकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाएंगे। अगर उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस आ रहा है, साथ में आपकी अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और आपको सिम्टम्स भी हैं, तभी आपको PCOS का डायग्नोस दिया जाएगा और आपके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपके, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपकी लाइफ टाइम रहता है। जितना आप अच्छे से अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का केयर करेंगे, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल रख सकते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स पीरियड्स के हैं तो उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आपको उस हिसाब से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर आपको इसके साथ एसोसिएटेड शुगर की या फिर हाई ब्लड प्रेशर की या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी। ना भी मैं कहूँ एक्सरसाइज और डाइट के बारे में उतना ही कम है, हमारी 50% से ज़्यादा मैनेजमेंट इसी के द्वारा हो जाती है। हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, अपनी वेट को रिड्यूस करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, इसी से हमें 50% पेशेंट्स में दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकियों को हम न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट कर सकते हैं, और सिर्फ कुछ ही लोगों को हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ लाइफ टाइम निकाला जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड देख के आप डरे ना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज मैनेजेबल हैं, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम मैनेजेबल है, बस अपनी हेल्थ का केयर करें और आप अपने इस बीमारी से लड़ सकते हैं।